अपनोन फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा का राउरकेला। तो राउरकेला कौन सा जगह पड़ता है आप लोगों को तो अलग से बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फेमस हो चुका है ऑक्सीजन जो सप्लाई किया उस वजह से ना। तो हम लोग राउरकेला जा रहे हैं। मैं आज आप लोग को कोशिश कर रही हूँ दिखाने का, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में बहुत ही आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि हम लोग पहले तो जाएंगे दुनिया का सबसे महंगा आम जो हम लोग न्यूज़ में कुछ दिन पहले देख रहे थे, तो वो देखने जा रहे हैं, जिसका कीमत है 2.5 लाख रुपया एक केजी, मतलब पर केजी के हिसाब से 2.5 लाख रुपया पड़ रहा है। तो कैसा अनोखा चीज़ है, बहुत ही क्या बोलेंगे, सरप्राइजिंग लग रहा है सुनने में, पर है। तो हम लोग न्यूज़ में देखे हैं उसको, तो उसका एड्रेस वगैरह हम लोग पता किए हैं, तो जा रहे हैं। अगर अभी भी अवेलेबल होगा आम तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी ये वो चीज़। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, और साथ में मुझे थोड़ा बहुत काम भी है, हम लोग काम जाएंगे और उसके बाद डॉक्टर के वहाँ भी जाना है, मुझे थोड़ा काम है तो वहाँ देखते हैं। डॉक्टर का लाइन अप किए हैं तो वो भी है शाम को, तो अभी तो बच चुका है आपका 2। पहले हम लोग करेंगे लंच, फिर जाएंगे जहाँ जहाँ जाना है, और छोटा छोटा काम है, कुछ सामान भी लेना है, तो वही सब है। आप लोग वीडियो में बने रहे, देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और वो जो अनोखा चीज़ का बात कर रही हूँ मैं आप लोग को, वो दिखाने का पहले कोशिश करूँगी कि कैसे होता है 2.5 लाख रुपया का आम। तो पार कितना पड़ेगा आपका, 6-7 रुपये आएगा 1 किलो में, तो एक एक का कीमत आप लोग ये कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो वही है। तो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी देखेंगे कि कैसा होता है, सामने वीडियो में तो देखे पर सामने देखने में कैसा होता है, क्या होता है उसके अंदर, सोना हीरा क्या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो जिसका कीमत पर केजी 2.5 लाख रुपया हो तो कैसे हो सकता है वो चीज़, तो वही देखेंगे। कोशिश कर रहे हैं देखने का, कि बड़ी मन था कब से, जब से देखे ना, मैं 6 जुलाई को देखी हूँ वो वाला वीडियो, तो जब से देखी हूँ मन कर रहा है कि नहीं हम लोग भी जाएंगे, कि वो भी देखेंगे कि कैसे होता है। जब मैं खुद जा रही हूँ तो आप लोग क्यों ना लेकर जाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटी सो गई है, क्योंकि उसको तो आप लोग को पता है गाड़ी में कितना प्रॉब्लम होता है, तो बस उसी वजह से वो सो गई है, और बस और थोड़ा सा पहुँचने में बाकी है, तो पहुँच जाए फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग डॉक्टर के पास आए हुए हैं, तो यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है, और डॉक्टर थोड़ा अच्छे से देखते हैं इसी वजह से ज़्यादा टाइम भी लगाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कितना लेट होता है, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ, बातें करती हूँ। अभी जो है हम लोग का दिन भर का ही डॉक्टर के पास ही टाइम ख़त्म, मतलब अभी फिर भी हम लोग घूमने जाएंगे, तो आप लोग को लेकर जाऊंगी, सुनाई दे रहा है कि नहीं, तो लेकर जाऊंगी, और ऊपर से ये है मेरा प्रेस्क्रिप्शन। और एक सैड न्यूज है जो डॉक्टर आने से पहले हुआ है, वो भी बताएंगे बात हम लोग का, ये बात में बताएंगे जो हम लोग का जो जो सबसे दुखद हुआ वो बताएंगे ये। तो अभी जा रहे हैं मेरा मेडिसिन लेने, यहाँ पर मेडिसिन स्टोर है, क्या बोलना है, कुछ नहीं बोल रहे, तो जा रहे हैं मेडिसिन स्टोर से मेडिसिन लेने के लिए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए, घूम घूम जाएंगे, आप लोग को लेकर जाएंगे, दिखाएंगे आप लोग को, दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ घूमने जाए, बहुत अच्छा अच्छा प्लेस है यहाँ पर। आप लोग यहाँ से जो लोग बिलोंग करते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर जैसे कि आप लोगों को बताई थी मैं कि जाएंगे कहाँ, तो वो जगह कोशिश कर रहे हैं अभी, और उसके बाद जाएंगे हम लोग घूमने स्पेशल जगह। क्या चीज़ पेडिग्री है, अब हम लोग घूम लिए हनुमान वाटिका, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने इसको अलग अलग कर लिया। और बेटी यहाँ से ली है खिलौना, दिखाओ अपना क्या ली हो, बेबी सेट, पूरा सेट है इसमें उसका, तो सब कुछ है, घर पर जाके एक एक करके जब निकालेगी आप लोग तो देखते रहते हो, सब देखोगे। और साथ में ली है मोर पंख, और क्या ली है, हनुमान जी का एक फ़ोटो, तो यही सब ली है। और मेरा एक चीज़ दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए स्टिकर को हटा ही नहीं थी, आप लोग को दिखाना था मुझे, क्योंकि मैं आज ब्लड दे के आई हूँ। तो क्या क्या टेस्ट हुआ, क्या हुआ और क्यों आई थी, सब कुछ तो एक साथ बताने से मज़ा नहीं आएगा, मतलब रिपोर्ट आ जाए ना फिर दिखाऊंगी।
रिपोर्ट आना अभी बाकी है, तो टेंशन क्या है क्या नहीं, मतलब टेंशन है कि नहीं है वो सब तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बस अभी तो टेस्ट हुआ है, 2 दिन बाद ही रिपोर्ट मिलेगा। तो अब चलते हैं हम लोग भजन करने, यानी पेट पूजा करने। हाँ सॉरी भोजन करने। तो अभी क्योंकि दिन भर ना हम लोग को शायद पता नहीं यहीं आना था, इसी वजह से भगवान हम लोग को खाने नहीं दिए, और डॉक्टर के झमेला में पड़ो तो भूखे भूखे मरना पड़ेगा। बस छेना पोड़ो खाए थे हम लोग थोड़ा थोड़ा। तो अब चलते हैं खाने की ओर, बड़ी ज़ोर का भूख लगी है। यहाँ पर खा सकते थे पर हम लोग ना ढूंढ रहे थे जो खाना था, पर यहाँ पर वही खोजा था जो कि मैंने घर पर बनाया हुआ है, तो मैं इनको मना की घर पर तो है ऑलरेडी, तो इसको क्यों फिर से अलग से लेंगे, तो खोजा नहीं लिया हम लोग। देखिए उसमें टॉवल नहीं था, इसका बाथटब के अंदर टॉवल है। बाथटब में टॉवल है, मतलब वो 2 चूज की थी, तो मैं थोड़ा सा वो उसका प्राइस कम था तो फिर मैं उसी को ही बोल रही थी, तो उसका पापा इसी को ही ले दिए कि नहीं इसमें ज़्यादा ऑप्शन है तुमको देख लो, तो वो सिलेक्ट की तो मैं मना कर रही थी इसको। वो मुझे बता रही है अभी कि इसमें देखिए टॉवल वगैरह एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको चूज की। तो चलिए अब खाने जगह मिलते हैं। अब क्या हुआ, तो क्या करें, पार्सल तो पर्सन मतलब गाड़ी में थोड़ी बैठ कर खाया जा सकता है। तो दूसरा बड़ा वही होगा ना फिर आपका कोई प्रॉफिट। हाँ क्या बोल रहे, हाँ डाइनिंग अगर नहीं लेंगे तो कहाँ बैठ कर खाएंगे, गाड़ी में थोड़ी खाया जा सकता है, पार्सल लेके नहीं पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पहले आए थे ना वो वाशरूम से, हाँ पहले आए थे मैं आप लोग को तब, हाँ एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो इसी में हाँ ये मेरा पसंदीदा जगह है। तो फिर मैं उस टाइम जो है आप लोग को नहीं दिखा पाई थी वहाँ का, यहाँ का लेक, यहाँ पर झूला उला सब था, पर अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है तो इस वजह से यहाँ पर से सब कुछ हट चुका है। पर लोकेशन हाँ वहाँ पर झूला है, पर यहाँ जो था वो मिकी माउस का वो सब हट चुका। मैं आप लोग को लोकेशन और एक बार लाइट में दिखा देती हूँ, दिन का उजाला में दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस जगह में था झूला, वो वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना तो उसको देख लीजिए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो था वो वाला। तो ये है रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग खाए थे, तो रात का टाइम अच्छा जा रहे हैं। तो ये है यहाँ का लेक, क्या चीज़ मिल गई, अच्छा यहाँ वो लोग बैठने को बोल रहे हैं तो फिर यहाँ हम लोग बैठ कर खाएँगे। वहाँ बैठने का बहुत अच्छा ये लोग का था, बहुत सुंदर प्लेस है। देखिए यहाँ पर झूला भी है, तुमको वॉशरूम जानी है, नहीं नहीं जाना है ना, तो चलो यहाँ पर बैठेंगे हम लोग। तो लॉकडाउन का टाइम है, सही बात है कि वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो कहीं पर भी नहीं होगा तो हम लोग, हाँ फिर भी हम लोग को बैठने को मिल रहा है तो बोलो यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ एक डाइनिंग हॉल है वो लोग का, शायद वो लोग का प्रोग्राम का कुछ होगा तो पता नहीं, कोई बात नहीं बैठ के खाने से मतलब है हम लोग को। बस चलिए अभी भूख बड़ी जोर का है, पहले खा लेते हैं, चलिए हाँ यहीं पर बैठ कर खाएंगे। हाँ अच्छा हम तो मुँह धोना भूल गए, हाँ फ़ोन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग जिस आम को देखने जाएंगे ना उसका थोड़ा डिटेल में बता दूं, वो आम का नाम है मियाजाकी और साथ में उसका कीमत है 2.5 लाख रुपया किलो। वो जापान का मार्केट में और इंडिया का मार्केट में उसका कीमत है 1,000 से 1,500 रुपया। पर उसको कौन खरीदा क्या खरीदा इतना तो डिटेल में नहीं दिखाया था न्यूज़ में, बस इतना दिखा रहा था। तो हम लोग देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और उसी के ये में आए थे कि उसको पहले देखने जाएंगे, और वहाँ सबसे पहले गए आते साथ ही, और मैं आप लोग को दिखाने के लिए खासकर बहुत एक्साइटेड थी कि वो आम दिखाऊंगी। पर वो जो एड्रेस हम लोग को पता था ना वो सेक्टर 2 में है, तो हम लोग गए और वहाँ पर देखे कि घर लॉक है, एक दो आदमी को पूछे तो वही घर बताए हम लोग को, तो फिर घर लॉक था जिस घर का एड्रेस हम लोग को मिला, तो फिर हम लोग देख नहीं पाए, बहुत मन खराब हो गया। तो फिर हम लोग डॉक्टर का जो चक्कर लगाए ना उसी में हम लोग फंस गए वापस से, और अभी फिलहाल खाने के लिए आए हैं, थोड़ा झूल लेते हैं यहाँ पर। बहुत मजा आ रहा है झूलने में हाँ रोजों में तो झूल नहीं पाई तो इस टाइम झूल रही हूँ। भगवान बोले रोजों में मत झूलो अभी झूलो, क्या बोले भगवान, रोजों में मत झूलो अभी झूलो। अच्छा मैं उतर जाती हूँ, इतना देर हाँ ये
खुद से घूम रहा था। चलो आओ, पापा बुला रहे हैं, ऑर्डर दे चुके हैं, आओ। बन के आए? हाँ तो बन के आए, चलो। ये है मेरा हक्का नूडल्स, तो सिजवान मिक्स्ड हक्का नूडल्स। अच्छा, ये है मेरा सिजवान मिक्स्ड हक्का नूडल्स, क्योंकि हम लोग बाहर से ये ऑर्डर दे चुके थे, और साथ में ही प्रॉन चिली जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट स्टार्टर हुआ है। ये स्टार्टर अभी और मेन कोर्स बाकी है, तो मेन कोर्स आते आते ये प्लेट से खाली हो जाना चाहिए। अब मेरा खाना हो चुका है, तो दोनों खा रहे हैं, दोनों का ख़त्म नहीं हुआ है, तो फिर मेरा मसाला कोल्ड्रिंक्स आ रहा है, इनका भी मसाला कोल्ड्रिंक्स आएगा, बेटी के लिए आइसक्रीम आएगा, मुझे खाने का मन कर रहा था, पीने का मन कर रहा था, मसाला कोल्ड्रिंक तो भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर साइड में आकर बैठ गई, क्योंकि पूरा खाली है ना। एक्चुअली वो लोग का डाइनिंग हॉल नहीं है, उस दिन आए थे जहाँ पर बैठे थे वो वहाँ पर डाइनिंग हॉल है, तो हम लोग जैसे बोले ना पार्सल लेकर नहीं जाएंगे, हम लोग खाएंगे तो यहीं खाएंगे वरना नहीं लेंगे, ऐसा बोले, तो फिर वो लोग बोले अच्छा ठीक है अरेंज कराते हैं, तो फिर इधर ही अरेंज करा दिए। तो चलिए, मेरा मसाला कोल्ड ड्रिंक आ जाए, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, पता नहीं फिर और थोड़ा सा काम है, उसके बाद ही निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर आ चुके हैं, और आने के बाद चेंज भी कर ली, मुझे बहुत ज़ोर का नींद लग रहा है, पर सो नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि देखिए यहाँ पर दूध को चढ़ा के रखी, दूध दोनों जगह गर्म करने के लिए रखी हूँ, ये गर्म होगा फिर जाके सो पाऊँगी, सब कोई तो खा के आए हैं और कोई कुछ नहीं खाएंगे, तो फिर नींद बहुत ज़ोर का लग रहा है, बहुत टायर्ड लग रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, कुछ टाइम बाद सोना है, पर अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा वहाँ लेटे रहूँगी जब तक दूध गर्म हो जाए, तब तक पानी वगैरह भर लेती हूँ बॉटल सब में। तो चलिए, आज का ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।